कोई भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको सेटिंग रहती है तो वैसे हमारे प्योर टेबल के लिए ढेर सारी सेटिंग्स सेटिंग्स रहती है तो ऑप्शन एंड जानने की बारी है इस वाले पार्ट में जी हाँ पार्ट सिक्स में मैं आपको बताने वाला वालों प्योर टेबल के ऑप्शन एंड सेटिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि हर एक पार्ट को हम डिटेल में सीखने वाले तो डिटेल में इस पार्ट में ऑप्शन एंड सेटिंग बताने वालों प्योर टेबल की मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स तो चैप्टर सिक्स में हम देखेंगे प्योर टेबल के ऑप्शंस राइट तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे अल्ट एन वी प्रेस करता हूँ जो कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भाई हम इस तरह से प्योर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अल्ट एन वी शॉर्टकट की प्रेस करके यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा न्यू वर्कशीट में एक प्योर टेबल हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली ये प्योर टेबल जो आ रहा है ये स्टैंडर्ड लेट आ रहा है मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूँ सबसे पहले और प्योर टेबल ऑप्शन में आपको पता है हम इसमें जो ऑप्शन है वही देखने वाले बेसिकली फ़िलहाल डिस्प्ले में जाकर इससे पहले क्लासिक लेआउट कर लेते हैं क्लासिक प्योर टेबल लेआउट ओके अब मैंने इसे क्लासिक कर लिया तो आपको पता है क्लासिक लेआउट में इस तरह से ये दिखाई देगा कुछ ड्रॉप ड्रैक फील्ड राइट लास्ट चैप्टर में मैंने देखा है इसे तो मैं ऑर्डर डेट को ला के यहाँ पर रख रहा हूँ ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग करके बताएगा आपको और सेल्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फिलहाल तो ऑर्डर डेट वाइज यहाँ पे आ रहा है अगर मैं जैन को एक्सप्लोर करूंगा तो इस तरह से आ रहा है राइट इस तरह से आपको ये दिखाई देगा लेकिन ये जैन मंथ जो है ये पूरा पूरा यहाँ तक आ रहा है या फिर मैं क्वार्टर वाइज भी लेता हूँ एक काम करता तो इसमें एक और ग्रुपिंग ऐड करना है मुझे क्वार्टर वाइज तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है ग्रुपिंग में ग्रुप में जाना है और लास्ट चैप्टर अच्छे से याद करो कि आप यहाँ पे क्वार्टर्स भी ऐड कर सकते हैं तो मैंने क्वार्टर भी ऐड कर दिया राइट अब यहाँ पे जैन मंथ भी आ गया क्वार्टर भी आ गया मंथ वाइज आ चुका है रिकॉर्ड अब मैंने इसे थोड़ा सा क्वार्टर वाइज क्या कर दिया है ये जो सेकेंड ग्रुप है मंथ्स का उसको मैंने एक्सपांड जो बटन दिखाई दे रहा है ना आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कर ली जैसे आप यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब यहाँ पे आप दिखा दे रहे हैं तो अब यहाँ पे या जो क्वार्टर आ रहा है ये ऊपर आ रहा है ये मिडल में मैं चाहता हूँ तो उसकी सेटिंग कहाँ पे अगर आप यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में जाओगे तो ये नहीं है अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो ये नहीं बताएगा ये एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ से आप मर्ज नहीं कर सकते इसे ये पीओ टेबल का फॉर्मेट है तो ये क्वार्टर्स का जो वन टू दिखाई दे रहा है ना ग्रुप में ये टोटल इसे मुझे मर्ज करना है तो कैसे करेंगे मतलब यहाँ पे बीच में लाना है तो उसके लिए राइट right क्लिक करो प्योर टेबल ऑप्शन जो कि हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं राइट right? यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है फिलहाल हम लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स तो मैं क्लिक कर रहा हूँ और वेन इन कॉम्पैक्ट फ्रॉम इंडेंट रो लेबल्स इंडेंट कितना रखना है वन कैरेक्टर लेफ्ट से वगैरह वो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं इंडियन में ही रखता हूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फिलहाल क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर चारों भी क्वार्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर एक मर्ज रिकॉर्ड आ चुका है अगर आप ऐसा चाहते हो तो लेकिन ये क्लासिक लेआउट में यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट आप कर सकते हैं जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं किसी भी डेटा को तो ग्रुपिंग के टाइम पर ये मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेवल्स यूज होगा अगर आप यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं तो कभी कभी रिपोर्ट दिखाते समय आप आ, अगर ऐसा दिखाओगे मर्ज वाला तो वो अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा दिखाओगे नॉर्मल अगर मैं इसका मर्ज हटा देता हूँ या फिर मर्ज मैंने हटा दिया और ओके कर दिया तो ये इतना प्रॉपर नहीं लग रहा था जैसे मैंने आपको दिखा तो ये मर्ज करने के बाद प्रॉपर लगता है तो इसलिए वो ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं ओके चलिए सबसे पहले आपको मर्ज का ऑप्शन पता चला अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिर से प्योर टेबल ऑप्शंस में जाता हूँ इसके बाद क्या ऑप्शंस दिया है यहाँ पे डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया फ़िल्टर एरिया कैसा रहे चाहिए डाउन देन ओवर यानी कि अगर आप यहाँ पे सपोज़ कंट्री वाइज़ फ़िल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्री वाइज़ फ़िल्टर आ चुका है राइट यहाँ पे आप रीजन वाइज भी फ़िल्टर चाहते वो भी आपने ऐड किया आप चाहते सिटी वाइज़ फ़िल्टर वो भी आपने ऐड किया आप चाहते स्टेट वाइज़ फ़िल्टर वो भी आपने फ़िल्टर में ऐड किया तो फिल्टर में ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई लेकिन ये कैसे आ रहा है एक के ऊपर एक अगर मैं इसे फिल्टर करने जाऊँगा तो उसके नीचे फील्ड जो है ना ओवरलैपिंग हो रहा है ये दिखाई दे रहा है राइट तो मैं चाहता हूं यार ये दो फिल्टर इधर रहे दो फिल्टर इस साइड रहे तो मैं राइट right क्लिक करूंगा इसके ऊपर ध्यान ध्यान से options, या से सुनिएगा प्योर टेबल या देखिएगा बहुत सिंपल है बस डाउन देन ओवर की जगह ओवर देन डाउन क्या रखना है देखिए ओवर देन डाउन क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर यह रिपोर्ट फिल्टर जो फिल्टर एरिया है उसमें कैसा रखना चाहिए और यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स पर रो कितने रखने हैं पर रो मुझे दो रखने क्योंकि टोटल चार है तो मैं यहाँ पे दो रख देता हूँ एंड ओके नाउ यू कैन चेक इट आउट फिल्टर किस तरह से आ रहा है राइट right? तो ये आपको राइट क्लिक में मिल जाता है राइट क्लिक में जाकर पीयोर टेबल ऑप्शन में जाइए और ये यहाँ पे सेटिंग आपको मिलती है नेक्स्ट सेटिंग है फॉर एरर वैल्यूज अगर कोई पेयोर टेबल में एरर है तो उसकी जगह आप क्या शो करना चाहते हैं और एम टी सेल्स की जगह क्या शो करना चाहते हैं तो एरर की जगह आप जीरो शो करना चाहते हैं अगर एरर आता है कहीं पर भी डेटा में एरर है तो प्योर टेबल में भी आपको से एरर आएगा तो आप यहाँ पे उसे जीरो कर सकते हैं जीरो जीरो अगर कहीं पर एरर है तो उस टाइम पर इसकी जरूरत पड़ सकती है राइट तो आप यहाँ पे जीरो और एम टी सेल है तो वहाँ पे भी जीरो होना चाहिए वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं याद रखिए अभी मैं एग्जांपल के लिए एरर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ सपोज मैं सोर्स डेटा में जाता हूँ और सेल्स में और सेल्स में यहाँ पे H1 वन सेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक एरर ऐड कर देता तो हूँ जैसे मैंने लिया इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय जीरो तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा एरर आने के बाद हम आएंगे हमारे शीट फाइव में यहाँ पे हमारे पास प्योर टेबल है जनवरी में एरर आता है कि नहीं देखते अभी हम लोग तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सपोज़ मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ चुका है तो इस एरर की जगह यहाँ पे जीरो शो हो जाए मैं चाहता हूं तो फेवर टेबल ऑप्शन में जाओ और फॉर एरर वैल्यूज यहाँ पे आप जीरो शो कर सकते हैं ये देखिए एरर वैल्यू की जगह यहाँ पे ज़ीरो शो होगा जहाँ जहाँ एरर है वहाँ पे बेसिकली वो ज़ीरो शो करेगा याद रखिए तो एक तो मेरा कहना ये रहेगा कि भाई एरर यहाँ पे ही जाके रिजॉल्व करो एक्चुअल डेटा में एरर है तो जीरो रखने की वहाँ पे मतलब आ, आप जीरो रखोगे तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी जीरो आ जाता है हाँ अगर आपको टोटल नहीं शो करनी उस वक्त आप यहाँ पे डेटा में जीरो दिखाना चाहते बस आप रिपोर्ट दिखा रहे हो आप टोटली नहीं दिखा रहे हो तो उस टाइम पे आप ये चलेगा आपको वहाँ पे राइट right? वहाँ पे जीरो दिखा सकते हैं आप एरर की जगह लेकिन अगर आपको टोटल दिखानी है तो आप यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई सोर्स डेटा में जाओ और इस एरर को पहले भी निकालने की कोशिश करो कि भाई इस एरर को निकालो यहाँ पे जो भी एरर है तो उसको सॉल्व करो पहले उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करो जो भी है और उसके बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लो ये आपका नॉर्मल डेटा दिखाई देगा और टोटल भी दिखाई देगी नहीं तो टोटल की जगह क्या होगा इनके टोटल बता रहा था वहाँ पे जीरो बताएगा वो ये एक पेवर टेबल में प्रॉब्लम आपको शो हो जाएगा मतलब उसको जीरो एज अ काउंटर नहीं करेगा बट वहाँ पे वो जीरो पूरे पूरे एरर जहाँ जहाँ आ रहे थे वहाँ पे वो एरर की जगह जीरो शो करेगा या फिर ब्लैंक रहेगा तो वो भी जीरो शो करेगा ये एक सेटिंग याद रखो उसके बाद आता है ऑटो फिट कॉलम बिड्स ऑन अपडेट अब ये बहुत जरूरी होता है बहुत सारी जगह पर जब आप पेवर टेबल का रिपोर्ट शो करो तो उस टाइम पर इसकी ज़रूरत होती है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर मैं प्योर टेबल फटाक से बना देता हूँ एक इंसर्ट में प्योर टेबल और मैं लेता हूँ न्यूयॉर्क सिटी लेता हूँ यहाँ पे मैं कस्टमर नेम के हिसाब से प्योर टेबल बना रहा हूँ कस्टमर नेम लिया है मैंने और मैंने सेल्स भी ले लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर नेम कुछ इस तरह से राइट अब मैं यहाँ पर फ़िल्टर लगा देता हूँ वैल्यू फिल्टर्स टॉप टेन की जगह यहाँ पर टॉप फाइव यहाँ पर नोटिस कीजिए आप देखेंगे टेबल की साइज कम ज़्यादा हो रही है हाइट कम ज़्यादा होती है वर्थ मतलब ये ये जो टेक्स्ट है ना इसके हिसाब से वो क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा अगर मैं टॉप फाइव रखूँ या बॉटम फाइव रखूँ या जो भी है तो टॉप वन मैंने रख दिया यहाँ पे अब मैं फिर से दिखाता हूँ टॉप वन एक ही दिखाया मैंने तो ये पेवर टेबल छोटा हो जाएगा तो ये पेयोर टेबल की साइज़ है ना बार बार एडजस्ट हो जाएगी जैसे ही मैं एक एग्जांपल के लिए ले लूँ यहाँ पे एक नाम बड़ा भी ऐड कर देता हूँ किसी का नाम सपोज़ मैं लैनी ब्राउज़र की जगह यहाँ पे बहुत बड़ा नाम ऐड कर देता हूँ इसका राइट right? एग्जाम्पल के लिए ऐड कर रहा हूँ मैं और मैं अभी यहाँ पर इसको पहले क्लियर फिल्टर कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार रिफ्रेश अब आप देख सकते हैं ये प्योर टेबल बढ़ चुका है क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है इसके हिसाब से वो एडजस्ट हो रहा है अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से या फिर इससे फिल्टर लगा दूँ तो ऑटोमेटिकली टेबल ये देखिए मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ और इसमें से बस एक ही शो कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक प्योर टेबल की साइज देखिए यहाँ पे कम हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्योर टेबल की साइज़ बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए वो बड़ा टेक्स्ट आ जाए या छोटा टेक्स्ट आ जाए एक फिक्स साइज है तो वही रहनी चाहिए सपोज मैं यहाँ पे इसका फिल्टर हटा देता हूँ अब यहाँ पे जो साइज़ है ना यही साइज़ रहनी चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा प्योर टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और ऑटो फिट कॉलम बिड्स ऑन अपडेट मतलब जब भी प्योर टेबल में कुछ भी अपडेट मैं करूंगा फिल्टर लगाऊंगा कुछ भी या जो भी अपडेट करूंगा वो ऑटो फिट ना हो बार बार ओके कॉलम ऑटो फिट ना हो ये मैंने हटा दिया अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ ये एक ही शो करता हूँ तो टेबल की साइज एज इट इज़ है देखिए कॉलम की साइज उतनी है एक की जितनी उतनी है बी की अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो तो आप पूरा फिल्टर हटा ही दो फिल्टर लगा दो कोई इशू नहीं आएगा जो साइज उसने पकड़ ली है वही साइज़ वहाँ पर रहेगी जब आप प्योर टेबल के ऊपर कोई डैशबोर्ड बनाते हो प्रेजेंटेशन देते हो तो उस टाइम पे यू नीड टू अप्लाई दिस ऑप्शन राइट right? याद रखिए ये या ऑटो फिट आपको अनचेक करना है प्रिजो सेल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है ये दिखा दे रहा है प्रिजो सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट क्या होता है बहुत सारी बार सपोज मैं कोई रिपोर्ट दिखा रहा हूँ और इसमें मैंने इसको बोल्ड कर दिया है और मैं दिखा रहा हूँ अभी रिपोर्ट लेकिन बाद में डेटा में कुछ अपडेट हो गया जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ सोर्स डेटा में ये हमारा सोर्स डेटा है और इसमें कुछ भी अपडेट हो गया डेटा अपडेट हो गया या फिर ये नाम अपडेट हो गया जो मैंने किया अभी और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको मैंने हाईलाइट किया था दिखाने के लिए किसी को रिफ्रेश कर देता तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग प्रिजो है मतलब एज इट इज़ है क्योंकि यहाँ पे प्योर टेबल ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन चेक है अगर ये अनचेक मैं कर देता हूँ प्रिजो सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट ये अनचेक मैंने किया तो ये देखिए क्या हो रहा है वो फॉर्मेटिंग निकल जाएगी मैंने अभी फॉर्मेटिंग किया है इसको राइट right? लेकिन डेटा में जाकर कुछ भी अपडेट किया और यहाँ पे आके फिर से रिफ्रेश किया रिफ्रेश करते ही मैंने अभी डेटा में अपडेट नहीं किया लेकिन रिफ्रेश ही इसकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी तो ये ऑप्शन आप तभी रख सकते हैं जब आप प्योर टेबल में कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए वो फॉर्मेटिंग आप इसे चेक रख सकते हैं आपके ऊपर है? रखना है नहीं रखना है डिपेंड ऑन यू यो टेबल की सीरीज कामेंट तो का तो जरूर करना है मेरी के लिंक पे सारे आपको कम रेट में घर बैठे बैठे विद आईओसो सर्टिफिकेट सीखने मिलेंगे जी हाँ घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेस कंप्लीट करने का मौका मैं आपके लिए लेके आया हूं जहां पर सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और वीडियो जब छे तब आप देख सकते हैं ऐसे कोर्सेस वहां पर अवेलेबल है जाकर खुद चेकआउट कीजिए वहां पर स्टूडेंट ने कुछ रिव्यू दिए आप पढ़ लीजिए पहले रिव्यू अच्छे लगे तो ही कोर्स को इनरोल कीजिए क्योंकि वो जिन्होंने इनरोल किए उनके रिव्यूज है दोस्तों तो जो भी है आप चेकआउट जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि भाई सतीश सर से सीखना है कुछ कोर्सेज ऑनलाइन घर बैठे बैठे तो जरूर चेकआउट कीजिए फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे प्योर टेबल में चलिए तो लेआउट एंड फॉर्मेट ऑप्शन हमने देखे अब टोटल एंड फिल्टर्स ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है शो ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स ये मैंने हटा दिया दोनों भी तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो टोटल आ रही थी ना वो गायब हो गई या फिर कॉलम्स के लिए भी टोटल आती है अगर मैं यहाँ पे रीजन को ला के कॉलम्स में रखूँ तो कॉलम्स की टोटल भी नहीं आ रही है ना ही रो की टोटल आ रही है अगर मैं इसे दोबारा शो करूँ प्योर टेबल ऑप्शन में जाकर फटाफट -पट जाता हूँ यहाँ पर प्योर टेबल ऑप्शनस में और यहाँ पर इन दोनों को शो कर देता हूँ ग्रैंड टोटल फॉर रोज़ पहले शो करता हूँ दिखाता हूँ रोज़ तो रो के लिए टोटल जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी ग्रैंड टोटल ये रहा हर एक रो के लिए यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रही है राइट अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और प्योर टेबल ऑप्शन में जा रहा हूँ ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स भी कर लेता हूँ नीचे अगर आप चेक करोगे तो ये कॉलम्स के लिए भी टोटल आ रही है तो अगर आप ये टोटल दिखाना चाहते नहीं दिखाना चाहते हैं दैट्स अप टू यू आप यहाँ पे जाकर इसे ये कर सकते हैं वैसे अलो मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड आप यहाँ पे पर फील्ड के लिए मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो हर एक के लिए यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए आप वो ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं प्योर टेबल ऑप्शन में जाओ यहाँ पे एक और ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है यूज कस्टम लिस्ट वेन शॉर्टिंग शॉर्टिंग करते समय आप कस्टम लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टिंग कैसे करना है वो भी आप वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ आते हैं डिस्प्ले में शो एक्सपांड और कॉलेब्स बटन ये एक्सपांड और कॉलेब्स बटन अभी क्यों नहीं आ रहे क्योंकि हमारे इस डेटा में वो दिख रहे थे याद है ये जो है ना एक्सपांड और कॉलेब्स बटन ये नहीं दिखाने मुझे तो मैं इस वाले प्योर टेबल में दिखाता हूँ आपको ये जो पहला प्योर टेबल हमने बनाया था इसमें डिस्प्ले में जाकर मैं यहाँ पर जाकर शो एक्सपांड एंड कॉलेब्स बटन गायब कर देता हूँ अब वो बटन नहीं है ये पूरा डेटा विदाउट बटन है आप इसे एक्सपांड नहीं कर सकते आप राइट एक्सपांड आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा राइट right क्लिक करो प्योर टेबल ऑप्शन में जाओ और यहां पे डिस्प्ले में जाकर उसे शो कर रहे हैं तो शो करो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहां पे मिल रहा है शो कॉन्टेक्सटल टूल टिप्स ये भी काम की है दोस्तों ऐसे अगर मैं अनचेक कर तो पहले इसे चेक रखता हूँ दिखाता हूँ क्या होता है इसके ऊपर आप माउस रखते हो ना तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बारे में डिटेल बता रहा है भाई ये सम ऑफ सेल्स से। है जैसे इसके ऊपर माउस रखो तो इसके बारे में ये डिटेल्स बता रहा है रो क्वार्टर वन मार्च मंथ का है तो ये डिटेल बता रहा है अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूँ प्योर टेबल ऑप्शन में जाओ और इसे मैं अनचेक कर दूँ ये छोटा सा ऑप्शन है अनचेक कर लो बस दैट्स इट अब आपको ये नहीं दिखाई देगा इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखो या किसी के ऊपर कोई भी वैल्यू के ऊपर माउस पॉइंटर रखते ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसे हमने यहाँ पे देखने के लिए मना कर दिया है मैंने कहा मना कर दो भाई तो इसे चेक अनचेक रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी मर्जी आपकी कर लो ओके उसके बाद डिस्प्ले फील्ड कैप्शन नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉपडाउन तो ये जो फ़िल्टर ड्रॉपडाउन दिख रहे ना ये और ये फील्ड के कैप्शन दिख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ इसे दिखाना तो मैं इसे हटा देता हूँ ये देखिए फील्ड के कैप्शन और ड्रॉपडाउन गायब ओके okay, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाता है अगर आपको खाली रिपोर्ट्स दिखाने हैं दिखाने से मतलब है डेटा दिखाने से मतलब है सो उस टाइम पे आप इसे ऐड कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं इसे मुझे फ़िल्टर लगाना है तो लगाओ बस इसे ऑन करो काम खत्म क्वार्टर्स आ गया मंथ्स आ गया ऑर्डर डेट आ गया और उसके फिल्टर भी आ गए यहाँ पर जाकर फिल्टर भी आप इसे लगा सकते हैं ठीक है डिस्प्ले में आपको नीचे शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर शॉर्ट कैसे करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं शॉर्टिंग करना रहेगा तो आप शॉर्ट ए टू जेड एंड एवरीबडी नोज दैट शॉर्टिंग कैसे करना है आप राइट क्लिक करके भी सॉर्ट यहाँ पे भी आ, देख सकते हैं शॉर्टिंग राइट क्लिक करने के बाद भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ये देखिए तो यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं फिल्टर भी वहाँ पे अवेलेबल है तो बेसिकली प्योर टेबल में ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फिलहाल हमने यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट टोटल फिल्टर्स ये वाला ऑप्शन कवर कर लिया और डिस्प्ले भी हमने कवर कर लिया अब प्रिंटिंग में देखते हैं प्रिंटिंग में क्या है बेसिकली रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज ये वाला ऑप्शन मैंने चेक रखा है क्योंकि हर एक अगर मेरा प्योर टेबल बड़ा हो जाता है तो हर एक पेज के ऊपर जो रो लेबल्स है वो रिपीट हो जाएंगे जैसे हेडर्स ये लो ये मैं मैं रो लेवल बोलना चाहता हूँ ओके ये रो लेवल जो दिखाई दे रहे मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ तो कभी कभी टंग फिसल जाती है आप समझ सकते हैं दोस्तों ओके okay. तो यहाँ पे रो लेवल जो है क्वार्टर्स मंथ्स ऑर्डर ये हर एक पेज पे प्रिंट हो जाएंगे अगर uh, मैं मल्टीपल पेजेस पे प्योर टेबल प्रिंट कर रहा हूँ बड़ा प्योर टेबल है तो उस टाइम पर ये प्रिंटिंग में यूज़ होगा प्रिंटिंग के टाइम पर प्योर टेबल अगर प्रिंट यूज़ कर प्रिंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल पेजेस पे सेट प्रिंट टाइटल्स जो प्रिंट टाइटल्स है वो भी आप सेट करना चाहते हो तो वो भी टाइटल भी यहाँ पे प्रिंट होंगे और प्रिंट एक्सपांड एंड कॉलेब्स बटन वो नहीं चाहता हूं मैं प्रिंट करना ये भी नहीं चाहता हूँ एक्सपांड एंड कॉलेब्स बटन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था ये वाले बटन तो वो भी नहीं चाहते तो वो नहीं प्रिंट होंगे आप जो चाहते हो वो होगा नहीं चाहते हो नहीं होगा राइट <laughs> उसके बाद प्रिंटिंग के बाद डेटा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है यहाँ पे सेव सोर्स डेटा विथ फाइल हमारी फाइल के साथ जो हमने सोर्स डेटा यूज किया है ये रहा ये हमारा पेवर टेबल का सोर्स डेटा है पूरा का पूरा तो ये फाइल के साथ सेव होगा ही होगा याद रखिए अगर हमने कहीं से दूसरी जगह से भी इंपोर्ट कर लिया होगा तो सोर्स डेटा इसके साथ ही लिंक होगा क्योंकि हमने उसका ऑप्शन यहाँ पे पी टेबल में रखा है पीओ टेबल में सोर्स डेटा भी यहाँ पे हो जाएगा किसके अंदर मिलेगा आपको डेटा के अंदर ये वाला ऑप्शन चेक रखिए इनेबल शो डिटेल्स ये वाला ऑप्शन भी चेक रखिए इसका क्या मतलब है इनेबल शो डिटेल्स मतलब क्या जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो अमाउंट आया है ना ये कैसे आया है जनवरी मंथ का है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक अगर करता हूँ तो ये पूरा, पूरा का पूरा जनवरी मंथ का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा उस अमाउंट से रिलेटेड मतलब जो भी सपोज आप इस अमाउंट पर डबल क्लिक करते हो या ये टोटल पर डबल क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको देखना है नहीं देखना है वो आपकी मर्जी है तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है बस टेबल के ऊपर और प्योर टेबल ऑप्शंस में जाकर ये ऑप्शन डेटा में जाकर ये अनचेक कीजिए सपोज ये अनचेक किया आपने अब मैं कहीं पर भी डबल क्लिक करूँ वी कैन वी कैन चेंज द पार्ट ऑफ दिस प्योर टेबल ऐसा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रिपोर्ट हमारे पास लिंक नहीं है वो नहीं कर रहा है एक्सपांड नहीं कर रहा है लिंक या रिपोर्ट को नहीं व्यू कर रहा है तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आप याद रखिएगा राइट ओके वो है डेटा में यहाँ पे इनेबल शो डिटेल्स एंड रिफ्रेश डेटा वेन ओपनिंग फाइल जब भी हम प्योर टेबल ओपन करेंगे या फाइल प्योर मतलब ये फाइल ओपन करेंगे तो हमारा जो सोर्स डेटा है उसमें कुछ भी चेंजेस हो गया रहेगा सोर्स डेटा मैंने बेसिकली कहाँ से लिया है इसी फाइल से लिया है सोर्स डेटा यानी क्या ये हमारा डेटा राइट ये इधर से ही लिया है मैंने लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस फाइल से हो कहीं और से लिया होगा आपने और ये नए वर्कशीट में अपने प्योर टेबल बनाया होगा तो ऐसे टाइम पर वो जैसे ही मैं प्योर टेबल की ये शीट ओपन करूँ तो रिफ्रेश होना चाहिए इसके लिए ये ऑप्शन जरूर चेक रखो कौन से चेक रखने हैं कौन से नहीं रखने वो मैंने को पहले ही बता दिया याद रखिए ओके okay. और उसके बाद एक ऑप्शन दिया यहां पे नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटर्न पर फील्ड ऑटोमेटिक रखा है अब ये क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटर्न परल्ड फील्ड मतलब आ, इसके लिए काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक और सपोज मेरे पास इस शीट में कुछ एक टेबल मैंने बना के रखा है छोटा सा आपको दिखाने के लिए इस ऑप्शन को समझाने के लिए बेसिकली अब क्या है ये ऑप्शन मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको मुंबई दिल्ली नागपुर एंड पुणे ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है राइट इसका प्योर टेबल यहाँ पे बना है यहाँ ड्रॉप डाउन में भी आपको वो चारों भी दिखाई दे रहे हैं दिल्ली पुणे अब मैं पुणे की जगह यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सूरत और यहाँ पे मैं सूरत कर रहा हूँ और यहाँ पे सूरत तभी आएगा जब इसकी इस सूरत हम बदल देंगे यानी कि हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे मेरे कहने का मतलब ये समझ लो तो देखिए सूरत आ चुका है ड्रॉप डाउन में जाते पुणे अभी तक वहाँ पे पड़ा है क्या काम है पुणे का यहाँ पे दोस्तों पुणे का काम क्या है यहाँ पे पुणे तो मैंने वहाँ पे हटा दिया पुणे वहाँ पे रिकॉर्ड में कहीं पे भी नहीं है पुणे की जगह सूरत कर दिया है बट इसकी सूरत में यहाँ पे तो चेंज हो गया है लेकिन उसके मन में अभी तक पुणे बचा है ओके आई मीन टू से फिल्टर में बचा है यार मेरी भाषा ऐसी है कुछ थोड़ी सी फनी वे से बताने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर तो ये जो फ़िल्टर में बचा हुआ है यानी इसके मन के अंदर अभी भी पुणे बचा है सूरत से तो हट गया है तो भाई यहाँ से तो हट गया है तो भाई यहाँ पे करना क्या है राइट क्लिक करो पीओ टेबल ऑप्शन में जाओ और वो वाला ऑप्शन जो अभी मैंने आपसे बात की थी आप ऑटोमेटिकली जो है नन रखो नंबर ऑफ आइटम्स रिटेन इन पर फील्ड ये नन रखेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे ओके करो और रिफ्रेश तो करना चाहिए ना करना मंगता है मंगता है और अब आप देख सकते कि भाई पुणे मन से भी गया टन से भी गया सब जगह से गया तो यहाँ पे ये प्योर टेबल ऑप्शन में आपको ये समझ में आया कि भाई ये डेटा का क्या काम है बेटा और उसके बाद एक और अल्टेक्स ऑप्शन दिया जहाँ पे आप प्योर टेबल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब प्योर टेबल का टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं लेकिन आ, कोई ज़्यादा नहीं इतनी डिटेल में बट आप रख सकते हैं क्योंकि आपके पास अगर ढेर सारे रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं उस वक्त आपको ही कुछ दिनों के बाद उस रिपोर्ट को देखने के लिए भाई उसमें क्या लगाया है आपने क्या क्या फिल्टर्स लगाए क्या क्या चीज़ें लगाई है वो सारी चीज़ें आप टेक्स डिस्क्रिप्शन में डाल के रखो ताकि कंफ्यूज़ ना हो भाई हम कल क्या खाया वो भूल जाते हैं तो भाई ये भी भूल जाएंगे कि भाई इस प्योर टेबल में हमने क्या क्या किया था तो भाई बहुत सारे फिल्टर लगाए थे कंडीशन लगाए थे क्या क्या लगाया था वो सारी चीज़ें याद रखने के लिए आप अल्टेक्स में जाकर प्योर टेबल मैं रिकमेंड करूँगा जब आप बार बार आपका रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बना रहे है प्योर टेबल में तो दैट टाइम यू नीड टू तो यूज इट राइट तो हमने ये डिटेल में सीख लिया है दोस्तों क्या नाम था उसका प्योर टेबल ऑप्शन ये चैप्टर में हमने हर एक चैप्टर हर एक ऑप्शन को बेसिकली पकड़ पकड़ के सीखा है जो कि मेरे बोलने का अंदर है पकड़ पकड़ के मतलब डिटेल में सीखा है तो कैसे लगा दोस्तों ये प्योर टेबल के पार्ट का वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जो भी है आपने किया होगा साथ ही में मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दी है प्रैक्टिस फाइल दी है और वेबसाइट की लिंक भी दी है जहाँ पे कोर्सेस आप घर बैठे बैठे सीख सकते सकते चेकआउट जरूर कीजिए सीखते रहिए सिखाते रहिए लोगों को अपना ख्याल रखिए बाय बाय